हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज 2.0 में। आज हम 23 मार्च 2022 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आंसर, जयंती घोष। क्वेश्चन 2, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में संशोधन किस तारीख से प्रभावी होंगे? आंसर, 1 अप्रैल। क्वेश्चन 3, रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, कतर। क्वेश्चन 4, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति लॉन्च की? आंसर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन 5, गोल्डन लंगूर एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो किस देश की मूल निवासी है? आंसर, भारत और भूटान। क्वेश्चन 6, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर, 21 मार्च को। क्वेश्चन 7, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई, इस रिपोर्ट में किसने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर, फिनलैंड। क्वेश्चन 8, इस वर्ष विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? आंसर, वन और सतत उत्पादन और खपत। क्वेश्चन 9, वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर, 10वीं। क्वेश्चन 10, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा? आंसर, अफगानिस्तान। क्वेश्चन 11, भारत ने अपने पिछले साल के प्रदर्शन में सुधार करते हुए इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर, 136वां स्थान। क्वेश्चन 12, हर साल नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर, 21 मार्च को। क्वेश्चन 13, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? आंसर, 14 मार्च से 1 अप्रैल तक। क्वेश्चन 14, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस 2022 में कितने देश भाग ले रहे हैं? आंसर, इस अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन 15, 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा है? आंसर, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन 16, किस केंद्र शासित प्रदेश ने MyEV पोर्टल लॉन्च किया? आंसर, दिल्ली। क्वेश्चन 17, धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन मार्च 2022 में किसके द्वारा किया गया? आंसर, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर, नागालैंड। क्वेश्चन 19, एन वीरेन सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री फिर से चुना गया? आंसर, मणिपुर। क्वेश्चन 20,
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर: बेंगलुरु। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।